नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमेश बारी जी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक लेजेंडरी दवा ओमेज के बारे में, जिसमें ओमेज क्या है, ओमेज के अंदर कौन से सॉल्ट कॉम्पोजिशन है और ओमेज किस काम आता है, किस लिए दिया जाता है, साइड इफेक्ट्स क्या है, सारे के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि ये जो ड्रग है, ये ड्रग किस प्रकार की दवा है। ये दवा कहा जाता है पीपीआई, इसका मतलब है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। देखो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम यही होता है कि एक प्रकार के ऐसे दवा जो हमारे शरीर में रहते हुए प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करता है, उसको ब्लॉक करके रखता है। प्रोटॉन पंप कहाँ होता है, अगर देख लो आपकी स्टमक, यहाँ से अगर खाना खाते हैं हम, खाना इधर से होते हुए स्टमक अंदर पीछे से, यहाँ पे ट्रैक दिखाई नहीं दे रहा है पीछे से, तो अंदर से ये स्टमक तक जाता है, राइट। तो स्टमक तक जब जाता है, स्टमक के अंदर जो है प्रोटॉन पंप्स होता है। प्रोटॉन पंप्स जो है, अगर वो ओपन रहता है, खुला रहता है, तो ज़्यादा एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है। तो जब ज़्यादा एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है, उससे एसिडिटी वगैरह ये सारे प्रॉब्लम्स होता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करता है, वो एसिड कम प्रोड्यूस हो इसके बारे में इंश्योर करता है। बात कर रहे थे ओमेज जो कैप्सूल फॉर्मेट में आता है, ये ओमेज कैप्सूल में सॉल्ट कॉम्पोजिशन क्या है। देखो, इसके अंदर पाया जाता है ओमेप्राजोल, सिंपल एज दैट। ओमेप्राजोल कैप्सूल है ये, ओमेप्राजोल रहता है इसके अंदर और ओमेप्राजोल एज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर काम करता है। करते हैं कि ये जो दवा है, ये दवा किस लिए दिया जाता है। देखो, ये जो दवा दिया जाता है पर्टिकुलरली, अगर बहुत सीधी सीधी भाषा में कहें तो इंडाइजेशन के लिए, एसिडिटी के लिए। आपको हर किसी को दुनिया में एसिडिटी का प्रॉब्लम कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे होता ही है। तो जब एसिडिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो, एसिड हमारे शरीर में नॉर्मली प्रोड्यूस होता है, कहां पे प्रोड्यूस होता है, स्टोमक। तो खाना यहां से खाते हैं, यहां से अंदर से खाने की जो ट्रैक्ट है पीछे से आएगा, ये आके स्टमक में जाके एंट्री लेता है खाना। और स्टमक में क्या होता है, बहुत सारा एसिड रहता है। क्यों स्टमक में एसिड रहता है, क्योंकि खाना जब हम खाते हैं उसमें प्रोटीन्स रहता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होता है, वो एंजाइम काम करने के लिए उसका एसिडिटी की ज़रूरत होता है। इसीलिए स्टोमक खुद शरीर में अपने आप एसिड को प्रोड्यूस करता है। उसके लिए यहाँ पे पंप्स है जिसका नाम है प्रोटॉन पंप। तो ये स्टोमक की स्ट्रक्चर, इसके अंदर देखो ऐसा लाइनिंग है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये नॉर्मल स्टोमक ऐसा दिखता है, राइट, नॉर्मली। अब क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो स्टोमक डैमेज होगा या नहीं, या आपसे अगर मैं पूछूँ तो आप क्या कहोगे, यार एसिड से तो चीज़ें को हाथ में लगता है तो जलने लगता है, राइट। तो स्टोमक के अंदर कैसे एसिड होगा, देखो स्टोमक के अंदर एसिड रह सकता है क्योंकि स्टोमक के अंदर एक लाइनिंग होता है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग, इसके वजह से स्टोमक खुद को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। मगर ये लाइनिंग सिर्फ स्टोमक में ही है, ये लाइनिंग जो है ना ऊपर का जो ट्रैक्ट है जहाँ से खाना नीचे तक स्टोमक में जाता है, वहाँ पर ये लाइनिंग नहीं है। इंटेस्टाइन में भी ये लाइनिंग यहाँ पे एबसेंट, तो लाइनिंग ऊपर नहीं है। इसमें क्या होगा ना, एसिड कॉम्पोनेंट इंटेस्टाइन में आएगा तो भी ठीक है, मगर ऊपर अगर आ जाए तो वहां पे एसिडिटी के सिम्टम्स आने लगता है। देखो, यहाँ पे स्टोमक से जब भी एसिड किसी वजह से ऊपर आ जाएगा तब गला जलने लगता है। अब लगेगा गला जल रहा है, जलन सा फील हो रहा है, जिसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं। तो हार्ट बर्न का जो सिम्टम है वो ऐसा लगना कि चेस्ट में कुछ हैवीनेस है और खांसी होने लगता है एट दैट मोमेंट, तब ये एसिडिटी के सिम्टम्स आते हैं। और ये जो बीमारी है इसको हम GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। क्या होता है, यहाँ पे ये एसिड जो प्रोड्यूस होती है, फिर कोई भी खाना जब स्टमक में आता है तो उसका नॉर्मल स्वभाव होता है कि खाने को वो प्रोसेस करे निचले हिस्से में, क्योंकि खाना मुंह से होते हुए निचले हिस्से तक जाना चाहिए। खाना मुंह से होते हुए थ्रू एलिमेंट्री कैनल ये स्टोमक से छोटी आंत से बड़ी आंत होके बाहर आएगा विद स्टूल, एज अ स्टूल। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा वो सारी चीज़ एज अ स्टूल बाहर आएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है, मगर ये नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, कभी कभार रिवर्स हो जाता है, मतलब एसिड ऊपर आने लगता है, नीचे जाना चाहिए मगर ऊपर आते। तो ये जो ऊपर आने के प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ एक वल्व रहता है, वल्व का कुछ प्रॉब्लम बीमारी में होता है। अदरवाइज अगर मान लो कि आप खाना खा लिए बहुत सारे, उसके बाद आप बहुत झुक के काम कर रहे हो, तब भी हो सकता है कि ये एक बैकफ्लो आए। मगर बहुत से लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उसके स्टोमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर उनका जो रेगुलेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए वो हार्ट बर्न होगा, GERD जैसा बीमारी होगा, उसके साथ साथ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, और वो बढ़ता रहेगा। और जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है ना, तब ये और एक प्रॉब्लम होता है कि जब एसिड ज़्यादा हो जाए मात्रा,
और किसी कारण अगर स्टोमक के लाइनिंग में कोई भी तरीके का खरोच आए या फिर कोई भी तरीके का घाव जैसा बने तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि घाव जब बन जाएगा तो वहाँ पे लाइनिंग का जो प्रोटेक्टर कवरिंग है वो नहीं रहेगा, तो वहाँ पे धीरे धीरे घाव बढ़ता रहेगा, जिसको हम पेप्टिक अल्सर नाम से जानते हैं। क्या होता है, स्टोमक के अंदर एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पिलोरी। हेलिकोबैक्टर पिलोरी जब इन्फेक्ट करता है तो यहाँ पे ना ऐसा घाव बना देगा, वहां पे हेलिकोबैक्टर पिलोरी घर बसाएगा अपना। जब वो घर बसाएगा अपना वहां पे तो क्या होगा, ये एसिड स्टोमक को ही खुद को ही डैमेज करने लगेगा और तब बहुत दिक्कत बढ़ सकता है। तो इसीलिए जब एसिड बहुत ज्यादा किसी के शरीर में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हमें ये दवा देना पड़ता है, प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर या फिर H2 ब्लॉकर्स भी होता है, मगर प्राइमरली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बहुत दफा दिया जाता है। अभी इतना इस्तेमाल हो रहा है कि ये ऑलमोस्ट ओवर द काउंटर ड्रग की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं ओमेप्राजोल की इफेक्टिविटी के बारे में। तो आपको ये कहना चाहूंगा कि पहले जब हम लेते थे 8-10 साल पहले भी ओमेज मार्केट में था, ओमेज बहुत सालों से मार्केट में है और इसका प्राइस जो है वो भी रिजनेबल है, जैसे कि 58 रुपीज़ है ओमेज की प्राइस और 15 टैबलेट कैप्सूल आ जाता है 58 रुपीज़ में, तो 4 रुपये के नीचे ही आता है एक ओमेज कैप्सूल की प्राइस। ओमेप्राजोल हालांकि अभी ज़्यादातर केसेस में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, या तो पेंटोप्राजोल किया जाता है या फिर एसोमेप्राजोल किया जाता है, मगर फिर भी अगर ओमेप्राजोल तक ही आप रहना चाहती हैं, पर्टिकुलरली यही ड्रग चाहिए, तो ओमेज उसमें बहुत ही उम्दायक दवा है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। देखो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तो बहुत कमाल की चीज, बहुत काम में आने लगने वाले एक दवा है, मगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का भी कुछ साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि ये सारे के सारे जो ड्रग है डायरेक्टली प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर रहा है ताकि एसिड स्टमक के अंदर ज्यादा तैयार ना हो, और इसको ब्लॉक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब इसको हम ज्यादा इस्तेमाल कर ले, कि कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि इससे ना एक हेडेक बनता है, लॉन्ग टर्म प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो एक हेडेक बनेगा। आप शायद इसको कोरिलेट ना कर पाओ या फिर ऐसा सोच नहीं पाओ ये इस दवा लेने से हो रहा है, मगर थोड़ा बहुत हेडेक की प्रॉब्लम रहता है। अगर किसी इंसान में ज़्यादातर केसेस में अगर माइग्रेन के अटैक आते हैं तो वहाँ पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टारगेट उसका जगह है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि नौजिया, मतलब आपको ऐसा उल्टी जैसा फीलिंग आना, ऐसा नहीं हर वक्त उल्टी होगा मगर उल्टी जैसा फीलिंग आ सकता है, नौजिया ये हो सकता है, ये एक बात है। उसके साथ साथ और एक चीज़ यहाँ पे हो सकता है जो कि आपका डायरिया भी हो सकता है कुछ लोगों में, मगर ये जनरली बहुत सेफ है, मैक्सिमम लोगों में ये सारे सिम्टम्स आते नहीं है, और बहुत रेयर केसेस में हो सकते हैं अगर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा से एलर्जिक हो। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के लिए नहीं है, बहुत से दवा जो अवेलेबल है, सारे के सारे दवा इनफैक्ट जो अवेलेबल है उसमें कुछ ना कुछ तरीके का इशू होता है रिलेटेड टू एलर्जी। कोई इंसान अगर किसी भी प्रकार के दवा से एलर्जेटिक है तो उससे एलर्जी रिएक्शन होता है। एलर्जी रिएक्शन बोले तो रैश आना, उसके साथ साथ लाल आँखें लाल होना या फिर शरीर में भी रिलेटेड टू प्रॉब्लम एंड बढ़ सकता है प्रॉब्लम, तो दैट कैन लीड टू सांस लेने में दिक्कतें, ये सारे चीज़ें हो सकता है। तो अगर आप एलर्जिक हो तो आप इसको लेना नहीं चाहिए, अदरवाइज इफ यू आर नॉट एलर्जिक टू PPIs प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इट इज़ यूजुअली अ सेफ मेडिसिन। अब बात करते हैं ओमेज की कुछ सब्सटीट्यूट ब्रांड के लिए। लोग चाहते हैं कि यू नो एक ही दवा को बार बार, बहुत से लोग हैं जो हर रोज दिन में एक बार या दो बार एंटासिड्स लेते हैं, उनको लेना पड़ता है आज के ज़माने में, तो उनको अगर लेना होता है तो एक ही दवा बहुत महीनों से अगर ले रहे हैं तो उनको लगता है कि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ, तब वो चेंज करना चाहते हैं ब्रांड। तो अगर आप ओमेज को चेंज करना चाहते हो तो आप ले सकते हो ओमी, ओसिड या फिर ओमाल। मेरे पास ओमी भी है यहाँ पर, देखो ये है ओमी, या फिर आप ओसिड या फिर ओमाल भी ले सकते हो, वो भी सिमिलर सेम ही ओमेप्राजोल मेडिसिन है, अलग अलग ब्रांड नेम इंडिया में। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर इस मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी ठीक ठाक से मिला और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे बहुत सारे इमरजेंसी दवा के बारे में आप जानकारी ले सकें और किस काम आता है उसके बारे में जान सकें, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।